नहमाक तुम? क्या ऐसा हो सकता है पापा जी कि वीर ने नव्या के सर पे हाथ फेरा और वो सब कुछ भूल गई? हो सकता है बहू, वो बालवीर है, कुछ भी कर सकता है। एक काम करते, चेक करके देखते हैं। चलिए। नव्या, तू वीर के कमरे में गई थी ना? हाँ मम्मी, वो मैं चॉकलेट लेने गई थी और लेकिन वीर भैया आए और उन्होंने मुझे भगा दिया। नहीं ली मैंने चॉकलेट्स। बेटा पूरी बात बता ना, तूने कमरे में किसको देखा? कोई था ना कमरे में। कौन? अरे वही जिसपे वीर ने जादू किया। हाँ जादू? हाँ कब, किस पे? क्या हुआ नव्या, क्या बातें हो रही है? बातें नहीं दीदी, वाइवा चल रहा है मेरा। कब से ये दोनों सवाल पूछे जा रहे हैं मुझसे। क्या सवाल? कि वीर भैया ने क्या जादू किया, किस पे जादू किया। आंटी और दादाजी ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? कहीं इन्हें वीर का रास तो पता नहीं चल गया? अरे नहीं, ये नव्या ने ठीक से सुना नहीं। मैंने जादू कब बोला? मैंने तो बोला झाड़ू। हाँ। मैंने तुझे पूछा बेटा कि वीर मार्केट से झाड़ू लाया क्या? झाड़ू पक्का नहीं लाया होगा बहू, मैं जाके लेके आता हूँ। नहीं नहीं पापा जी, आप क्यों लाएंगे? मैं शाम को सब्जी लेने जाऊंगी ना, तब ले आऊंगी झाड़ू, है ना। चलिए मैं आपको चाय बना के देती हूँ। कर ले बेटा, तू कर ले पेंटिंग कर ले। नहमाक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी कुछ सोच अशमोक, वरना मार देगा ये तुझे। और तुमने माँ पर वार क्यों किया? अच्छा, बालवीर को नहीं पता कि मुझे पता है कि बेनाम अपने शरीर में लौट आई है। खेल ले शशमोग। माँ, पर वो तो अगील है ना। मैंने उसको बेनाम को, मतलब अगिल को तुम्हारे पीछे खड़े हुए देखा, मुझे लगा वो तुम पे हमला ना कर दे बालवीर, इसलिए मैंने उस अगिल पे वार किया। अब पता चला तुम ये सच जानते ही नहीं कि मैंने रूप बदल जादू से माँ को उनके शरीर में वापस डाल दिया। बेनाम तो ये है ना। खड़े हो जाओ। मैंने माँ पे हमला किया। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने आपको अगिल समझा, मुझसे आज कितनी बड़ी गलती हो जाती। अगर आज हम वक्त में मुझे बालवीर ना रोकता, मैं क्या कर बैठता। नहीं नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं था कि मैं ही बेनाम हूँ। काश तेरा तीर निशाने पर लग जाता नहमाक, तो मजा आ जाता। चुप अगेन। तीर तो अब तुम्हें लगेगा। बलवीर या अगिल, क्या हुआ बालवीर? ऐसे क्या देख रहे हो बालवीर? नहमाक, तुमने अपनी पहचान छुपाने के लिए ये मुखौटा क्यों पहना था? क्योंकि मैं महामहिम को बिना बताए यहाँ आ गया। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आराम करूं और मैं यहाँ चला आया। मैंने तुम्हें मुसीबत में देखा बालवीर,
मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसीलिए मैं किसी को बिना बताए यहाँ आ गया। और ये मास्क इसलिए पहन के आया था ताकि मुझे कोई भी, तुम भी पहचान ना पाओ कि मैं यहाँ ऐसे तुम्हारी मदद के लिए आया था। हेमा, मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। किस्मत वाला तो मैं हूँ बालवीर, जो दुश्मन होकर भी भाई जैसा ही दिखता हूँ, जो हमेशा एक भाई की तरह मेरा ख्याल रखता है। भाई की तरह नहीं, दुश्मन की तरह बालवीर। वाह चश्मा, मान गए तुम्हारी चतुराई को, क्या बेवकूफ बनाया है बालवीर को। और तुम्हारा वो भाई शशमाक तुम्हारी कीमत ही नहीं समझ पाए। हो गया तुम दोनों का भरत मिला, तो ले चलो मुझे शाश्वान लोक तुम्हारे उत्तान के पास। जाएंगे लेकिन शाश्वान लोक नहीं, हिम्बाश लोक जाएंगे। हिम्बाश लोक में तुम्हें क्या मिलेगा? बस मैं जानता तुमने भस्म को वहीं छुपा कर रखा है। मुझे जल्द से जल्द भस्म को वापस क्रिंकाल लोक में कैद करना है। कैसा बेटा है तू? अभी अभी तो तेरा बाप तुझसे मिला है और वापस तू उसे खुद से दूर कर देना चाहता है। भूल गया तू वो दिन जब तेरी आंखें भर आई थी, जब तू अपने बाप भस्म के गले मिला था। बकवास बंद करो आगिल। ठीक है, अगर मरने का इतना ही शौक है तो चलो मेरे साथ हिम्बाश लोक। बालवीर नहीं, हिम्बाश लोक इसका गढ़ है। उत्तान की सेना आने दो, उसके बाद हम वहां जाएंगे। नहीं माँ, इतना समय नहीं है हमारे पास। अगर भस्म को होश आ गया तो वो धरती लोक पर तबाही मचा देंगे, इसलिए जरूरी है क्योंकि होश में आने से पहले हम उन्हें क्रिंकाल लोक में वापस कैद कर दें, सबकी सुरक्षा के लिए। बेनाम, बालवीर सही कह रहे हैं। बालवीर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं नहीं भाग, तुम और माँ शाश्वान लोक जाओगे और वहां जाकर महामहिम उत्तान से कहना कि वो सेना लेकर तुरंत हिम्बाश लोक आए। पर तुम्हें ऐसे अकेला? नहीं माँग, मेरी बात समझो, मैं अकेला जाऊंगा और यही सही है। मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बालवीर मुझे बहुत डर लग रहा है। वहां डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन ये करना जरूरी है। अगर पिताजी को कैद नहीं किया गया तो हम सबके लिए ही बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैंने ही उन्हें आजाद कराया था, इसलिए उन्हें कैद करना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। ठीक है बालवीर, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं माँ, अब भस्म को रोकना मेरा भी फर्ज है, मैं भी साथ चलूंगी। ठीक है, नेमक, तुम शाश्वान लोक जाकर महामहिम उत्तान से कहना कि वो सेना लेकर तुरंत हिम्बाश लोक आए। फिक्र मत करो बालवीर, शाश्वान से पूरी सेना पहुंचेगी हिम्बाश, ये वादा है मेरा। तो चले आगे। बाल वीर, तू खुद मौत के मुंह में चला गया है, कोई सेना नहीं पहुंचेगी हिम्बाश लोक। अब तू और तेरी माँ हमेशा के लिए हिम्बाश में दफन। अंधेरी मामा, अब मेरा मतलब है अंधेर। जीवन में कितने सवाल है ना,
कब भस्म जगेगा, कब आगिल आएगी, कब बालवीर को हराएगी, कब मेरे नाम का मंदिर बनेगा और कब आगिल तुम्हें हिम्बास से भगाएगी मामा। हाँ वो भी सही बात। ए! क्या? मुझे क्यों हिम्बास लोक से भगाएगी? अरे शुभ शुभ बोल। अरे अंधेर नाम है मतलब कुछ ही बोलेगा? अरे खतरनाक तोबा तोबा है ये, तेरे जीवन में अंधेरा कर दूंगा मैं। ए ए ए हाथ हटा, अरे हाथ पीछे ले ना। वाह फांजी वाह, आखिर तुमने इस बदनाम को बेनाम को पकड़ ही लिया। देख ये खतरनाक तोबा तोबा इसका क्या आश्रय करता है। वेट एंड वॉच बदनाम। बदनाम क्या आंखें क्या दिखा रही हो? ए घूरना नहीं वरना तुम्हारी आंखें निकाल कर अपने कपड़ों के बटन बनवाऊंगा और तुम्हारे बालों को काट के झाड़ू बनवाऊंगा। मामा ए! अरे बोल के तो चिल्लाना चाहिए, मुझे मामा फिर कहा ना तो जूता निकाल के तुम्हारे चेहरे पे मार मार के तुम्हारा चेहरा सुझा दूंगा। हिम्बास टोक के पेंगुइन के साथ अपना सूजा हुआ चेहरा लेके घूमते रहना। ऐसे मैं आगील हूँ मामा, आगील। सुना तूने अंधेर, ये आगिल है। सुना भांजी, ये आगिल है। तो मैं बालवीर हूँ। I am back। अगर तुम बालवीर हो तो मेरा बेटा कौन है? बेटा आंजी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी शादी हो गई है और तुमने अपने मामा को शादी में नहीं बुलाया। अब हुआ बेटा, कौन है तुम्हारा बेटा? कहाँ है वो बेटा? कौन है वो? वहां देखो, बेटा मतलब बेनाम बेनाम है और आगिल के शरीर में आगिल है। मतलब महाशक्तिशाली विनाशकारी हिमाशलों की आगिल, बचा मुझे। आगिल खुद को नहीं बचा पाई, तुम्हें क्या बचाएगी? आगिल हस्म कहा है? अपने पति से मिलने की बहुत जल्दी है। बकवास करना बंद करो आगिल, बताओ कहाँ है मेरे पिताजी? मेहमान हो तुम मेरे, अतिथि देवो भव, और अतिथि की तो हर ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। चलो लेकर चलती हूँ। मिलवाएगी क्या? ए?
कभी सोचा नहीं था इतने लंबे समय बाद हस्म का दोबारा कभी देखूंगी। माँ इतनी दूर आकर अपने पिता के पास नहीं जाओगे बालवीर? बेनाम जगाओ अपने पति को, जाओ। इससे पहले कि तुम्हारे जादू का असर हिम्बाश लोग पे कम हो जाए इसे लेकर चले जाओ यहां से। वक्त आ गया है मेरी आजादी का। भांजी मर तो नहीं गई? भांजी जिंदा हो? क्या हुआ, फंस गया गील के जाल में? क्या सोचा था आगील की हुकूमत में आकर जिंदा वापस जा सकोगे? बेवकूफ बालवीर, पूरी दुनिया को बचाने चला था, आज खुद फंस गया। कहां है तेरा उत्तान? कहां है उत्तान की सेना? आज तुझे यहां से कोई बचाकर नहीं लेकर जा सकता। ये आगील का राज है, आगील का हिम्बाश लोक। लगा लो, पूरा जोर लगा लो। ये पिंजरा मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया था। सोचा था जिस दिन हिम्बाश लोक में पकड़े जाओगे तुम्हें इसी में कैद करूंगी, क्योंकि इसमें तुम्हारी सारी शक्तियां शून्य है। अब हम क्या करेंगे बालवीर? चिंता मत करिए माँ, मैं हमारे महामहिम मुल्तान से बात कर ली होगी, वो तुरंत सेना लेकर यहाँ आते ही होंगे। मुझे पूरा यकीन है अब तक नहमाक ने मुल्तान से बात कर ली होगी। मैं मुल्तान से बात करूंगा। नहमाक तुम ठीक तो हो? कहाँ हो तुम? मुझे माफ कर दीजिए महामहिम, मैं आपकी इजाजत के बिना धरती लोक पर आ गया। कोई बात नहीं हमारे, लगता है तुम्हारे जख्म खुल गए हैं, तुम्हें इलाज की जरूरत है। मैं ठीक हूँ महामहिम, मुझे आपको एक जरूरी खबर देनी है। हाँ बोलो। माँ क्या कहना चाह रहे हो नेमाक? साफ साफ बोलो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेमाक, दिलाक। जी मामी। पता करो नेमाक धरती लोक पर कहाँ है, उसे यहाँ लेकर आओ, उसे इलाज की जरूरत है। जी मामी। बालवीर बचे या ना बचे मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बस हम आगील भस्म को जगा दे तो समझो बालवीर का खेल भी खत्म। बेनाम की शक्ल में
भस्म को जगाती तो वो मुझे मार देता। अब मैं भस्म को जगाऊंगी। तेरा पति जागेगा और तुझे और तेरे बेटे बालवीर को हमेशा के लिए सुला देगा। भस्म की आंखें खुलेंगी तो बालवीर की सांसें बंद हो जाएंगी। भस्म जाग रहा है। वक्त आ गया है विनाश का। बालवीर, मौत मुबारक हो।